नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जम्मू कश्मीर कल से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, लेकिन वहां आतंकवाद की चुनौती जस की तस बनी हुई है। मंगलवार को कुलगाम में बंगाल से आए 5 मजदूरों की बर्बर हत्या, हाल के कुछ दिनों में नागरिकों पर आतंकी हमले की एक और कड़ी। आतंकियों ने 14 अक्टूबर से अब तक कई गैर कश्मीरियों को चुन चुन के मारा है। इनमें से अधिकतर ट्रक ड्राइवर्स हैं, सेब के कारोबार के सिलसिले में जो कश्मीर में थे। सवाल यह है कि कश्मीर के नए स्टेटस से बौखलाए आतंकवादी कैसे आतंकी हमले करने में कामयाब हो रहे हैं, और सवाल यह भी कि अगर आतंकी ऐसे ही कामयाब होते रहे तो नया कश्मीर कैसे बनेगा। दंगल की आज की बहस की शुरुआत करें, उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये 5 बेकसूर मजदूरों की बर्बर हत्या के निशान भर नहीं है, ये कश्मीर में 3 दशकों के आतंकवाद के धब्बे भी हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने की बौखलाहट ऐसी है कि आतंकवादी चुन चुन कर आम लोगों को निशाने पर लेने लगे हैं। खासकर वो नागरिक निशाने पर हैं जो दूसरे राज्यों से रोजी रोटी के लिए कश्मीर में हैं। मंगलवार की शाम कुलगाम के कतूरसो गांव में मारे गए 5 मजदूरों कमालुद्दीन, मुरसलीम, रफीक, नोइमुद्दीन, रफीकुल और गंभीर तौर पर घायल हुए जहीरुद्दीन सिर्फ 1 महीने पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद से वहां पहुंचे थे। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के कातरसु गांव में बीती रात गैर कश्मीरी मजदूरों पर हुए हमले में 5 मजदूर मारे गए हैं, जबकि 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल है। गंभीर मजदूर की जो इलाज है वो श्रीनगर के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन इस हमले के बाद कश्मीर में गैर राज्य कामगारों में काफ़ी दहशत फैला हुआ है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान 10 लोग मारे गए हैं, जिसमें 3 ट्रक ड्राइवर और 6 मजदूर शामिल हैं, जबकि 7 लोग जो हैं इन हमलों में घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों के खिलाफ महातलाशी अभियान जारी है। ये हत्याएं ऐसे वक्त में हुई हैं जब कश्मीर नई सुबह का इंतजार कर रहा है। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश। मजदूरों की हत्या वाले दिन कश्मीर में मौजूद रहे यूरोपीय सांसदों के दल ने साफ कहा है कि आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाया है, कश्मीर को उजाड़ा है। I remember when I was in Afghanistan, last month I was in Syria, and I know that the terrorism now is a world problem. It's a problem of France, it's a problem of Europe, it's a problem of world, and I don't want Kashmir became a second Afghanistan. कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की दलील देकर ही सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया है, लेकिन जैसे जैसे पाबंदियों में छूट दी गई है आतंकियों ने फिर हिमाकत की हिम्मत दिखाई। कोलकाता से मनोज लोहिवाल और श्रीनगर से अशरफ वानी और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये चल क्या रहा है कश्मीर में, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, जबकि जो कदम उठाए गए थे वो इसीलिए उठाए गए थे क्योंकि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, दावा यही किया गया था। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, सुभ्रांशु रॉय हमारे साथ हैं कांग्रेस के समर्थक हैं, अकीब शाह श्रीनगर से पार्षद हैं, मनुजीत मंडल तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और विजय कृष्णन शिवसेना के समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि चूंकि बात कश्मीर की है और बात सीधे सीधे राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ जाती है, इसीलिए हमने यह प्रयास किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से और लगभग हर पार्टी की राय हमें यहां पर रखनी जरूरी है। लेकिन संबित पात्रा जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, अभी जो लगातार एक के बाद एक इस तरह के हमले हम देख रहे हैं, इसे किस नजरिए से लिया जा रहा है? विफलता मान रहे हैं हम? सरकार समझ रही है कि इतने बंदिशों, इतने अंकुशों के बावजूद इस तरह के हमले अगर होंगे, बाहर से जाने वाले लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज सामान्य रहे, सेब का कारोबार रहे, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, 1989 से, जिस प्रकार से मोदी जी ने भी कहा कि 1989 से 2019 तक लगभग 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, और उसका कारण रहा एक अलगाववाद की मानसिकता, उसका कारण रहा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिन्होंने आर्टिकल 370 का फायदा उठाते हुए, सेपरेटिज्म का फायदा उठाते हुए आतंकवाद को एक जड़ दिया था जम्मू कश्मीर में।
देखिए आर्टिकल 370 के हटने के पश्चात एक बौखलाहट पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याद करिए आरिफ साहब ने 14 अगस्त को, जो कि उनका इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस दिन उन्होंने जिहाद का एक कॉल भी दिया था कि हम चाहते हैं कि इंडिया में जिहाद हो। इमरान खान ने भी खुद कहा था कि पुलवामा लाइक अटैक्स विल इंक्रीज इन इंडिया। जैसे पुलवामा अटैक हुआ है, वैसे हम कई अटैक इंडिया और इंडिया की जो मानसिकता है, इंडिया की जो इंटेंशन है, उसे कुंद करने के लिए, उसे वीक करने के लिए हम ऐसा अटैक करेंगे। स्वाभाविक रूप से हमारी जो सैन्य शक्ति है इंडिया की, वो बहुत ताकतवर है। ऐसी बहुत कोशिश हो रही होगी, बहुत सारी कोशिशों को नाकाम कर रही होगी। हाँ, कल बहुत दुखद घटना हुआ है। 5 लोगों को खड़ा करके जिस प्रकार से कायरतापूर्ण उनके सीने पे गोली दागी गई है, यह दिखाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग जम्मू कश्मीर में है, वो जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके मंसूबों पे भारत की सरकार पानी जरूर फेरेगी। हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, वो इसका बदला लेंगे। इससे पहले भी हमने, श्वेता जी, देखा था ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से किस प्रकार हमने आतंकवाद को एक बहुत बड़े एक्सटेंट तक जम्मू कश्मीर में फ्लश आउट किया है। और मुझे विश्वास है, और विश्वास दिलाना भी चाहता हूं आपके शो में, कि आगे भी इसी प्रकार आतंकवादियों को फ्लश आउट किया जाएगा। नहीं समझे जी, एक फर्क है। फर्क यह है कि बाहर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। धर्म, मजहब, वो सारी चीजें एक तरफ रख दीजिए, बाहर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अकीब शाह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, समित जी ने तो महारत हासिल की है देश को गुमराह करने की। इनको तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब आज इनको याद आया कि 370 की वजह से। मैं इनको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हम पिछले 3 महीनों से देखें, किसी को आज तक मारा नहीं गया। ये 3 महीने में जब डेलीगेशन विजिट कर रही थी, सो कॉल्ड डेलीगेशन, पहले सुनिए तो, डेलीगेशन विजिट कर रही थी, तो ये मसला हुआ। और मुझे समझ नहीं आ रहा, मोदी जी के तारीफ करें या क्या करें, किसने जिस चीज में हुर्रियत फेल हुई कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने में, मोदी जी ने वो करके दिखाया। अगर कश्मीर में कुछ हुआ नहीं, भाई यूरोपियन डेलीगेशन क्यों कश्मीर में आई? अगर कश्मीर इंटरनल मसला है, यूरोप से डेलीगेशन क्यों कश्मीर आएगी? नहीं नहीं, आप दो तरह की बातें कह रहे हैं। समित, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं। श्वेता जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। यहाँ पर एक बंदा बैठा है जो आतंकवादियों का पक्ष लेते हुए कहता है आतंकवादियों ने ये इसलिए किया क्योंकि यूरोप की एक डेलीगेशन आई थी, और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। नहीं, मैं तो उनसे वही पूछ रही हूँ, क्या कह रहे हैं कि किसने किया? यहाँ पर लोग आतंकवादियों का समर्थन करेंगे? मैंने आतंकवादी की सपोर्ट नहीं लिया है। एज अ कश्मीरी मैं बोलूंगा, हमारे खून में, आपने अभी कहा कि ये होगा, अगर बाहर के डेलीगेशन जाएंगे तो लोग मारे जाएंगे, उसका मतलब क्या होता है? बोलता हूँ, अगर इसका मतलब क्या होता है? पहले बात सुनिए, अभी कहा कि यूरोपियन डेलीगेशन गई है इसलिए लोगों को मारा गया करने के लिए, मतलब आपको डेलीगेशन जाएगा तो आप लोगों को मारेंगे? ये किस प्रकार, अगर अगर पाकिस्तान इसके पीछे है, हमारी जो 10 लाख आराम से डिबेट कर लीजिए, चिल्ला चोट की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कहां चिल्ला रहा हूँ? चिल्लाने में काम नहीं रहा है संबित जी, वो सबको पता है। सुन लीजिए आराम से। श्वेता जी, इन्होंने आपके चैनल पे कहा कि आज तक कोई किसी को कश्मीर में मार नहीं रहा था, यूरोपियन डेलीगेट गया उसके कारण से लोगों को मारा गया, ये तो कहा, उसका अर्थ क्या है? और मोदी जी की तारीफ करूं या मोदी जी को आईना दिखाऊं? यही कहा ना इन्होंने कि मोदी जी ने यूरोपियन डेलीगेशन भेजा, इसको इंटरनेशनलाइज किया, और इसीलिए 5 लोग मारे गए। 70 साल में तो हुर्रियत इतना इंटरनेशनल नहीं कर पाई, पाकिस्तान इतना इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाई जितने आपके मोदी जी कर पाए। आपने जस्टिफाई क्यों किया ये 5 लोगों के मरने का? आपने जस्टिफिकेशन क्यों दिया? आप पहले माफी मांगिए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन जाएगा तो लोग मारे जाएंगे? डेलीगेशन उस दिन भेजा जिस दिन 60,000 बच्चों का एग्जाम था, उससे पहले भी भेजा। अकीब शाह जी, नहीं, अकीब शाह जी, आप जो चीज कह रहे हैं, क्या इससे पहले सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया था? कल ही क्यों किया गया? कल के दिन भी किया गया। एकदम नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आप आतंकियों को कंडेम कर रहे हैं, ये कहकर कि नहीं करना चाहिए था सिविलियंस। और कश्मीर, ये आतंकियों को कंडेम नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहा हूं? ये अभी स्टेटमेंट सुनिए, इन्होंने कश्मीरी पंडित भाइयों को निकाला राह डालने के लिए। अरे किसने निकाला? आप गवर्नमेंट ने निकाला, कश्मीरियों ने निकाला, निकाला ना कश्मीरियों ने निकाला, बिल्कुल निकाला, तो आतंकवादियों ने निकाला कश्मीर। आपका मतलब कश्मीरी आतंकवादी है? आपका मतलब ये है? मैंने बात नहीं करी ना, बात तो आप तो बोल रहे हैं आतंकवादियों ने निकाला। अगर आप चिल्लाने आए तो आपसे ऊंचा चिल्ला सकता हूँ। कश्मीरियों ने इसलिए निकाला, आतंकवादियों ने निकाला, पाकिस्तान ने निकाला, कश्मीरी कश्मीरी ने निकाला। आप हमारे भाई हैं, आप भी कश्मीरी, इनको बात खत्म करने दीजिए। कश्मीरियों ने इसलिए निकाला क्योंकि कश्मीरियों ने चुप्पी साधी रखी, और उसी चुप्पी साधी में आप गलत बोल रहे हो। आप
मैं तब पैदा नहीं हुआ बस, तो चुप रहिए। लेकिन हम हमारा हम ये दर्द समझ सकते हैं। अकीब शाह जी, हर आदमी के बोलने पे बीच में बोलना जरूरी नहीं होता है, किसी की सुनना भी सीखिए। इनको कंप्लीट कर रहे हैं ना, कंप्लीट करने दीजिए। वैसे तो सब ये आपके पक्ष में बोलेंगे, वो उनको काटेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक आदमी को एक बार में बोलने दीजिए। नहीं नहीं प्लीज, अगर आप एक आदमी, किसने निकाला आतंकवादियों, उन्होंने क्या कहा आपने, पीपल उन्होंने, ये तो बोल रहे कश्मीरियों ने निकाला, कश्मीरियों ने नहीं निकाला, कश्मीरियों को वो दर्द है, हमने अपने भाई खोए। आप लोग खड़े हो गए थे उन्हें बचाने के लिए उस समय, हो गए थे उस समय किनके, आपने कहा पैदा नहीं हुए थे। कुछ देर शांति रख लीजिए, आप बताइए। देखिए, एक कॉल नहीं आई किसी लीडर की, एक कॉल किसी मस्जिद से नहीं आई, एक कॉल किसी मौलवी से नहीं आई कि पंडितों के साथ ये मत करो। अब बात आते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट में रहके, प्रेजेंट पे प्रेजेंट के, अब बात आ करते हैं। ये इनके कहना कि कल ही मारे गए हैं, 12 लोग मारे जा चुके हैं, अक्टूबर 15 को ट्रक ड्राइवर मारा गया, जिसको लेकर ये भी कहूंगा कि शुपियन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आपने क्यों मारा है, फिर भी मारा गया। 12 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक। अभी तक जितनी गोलियां चली हैं वो आतंकवादियों की तरफ से चली हैं, पाकिस्तान की तरफ से चली है, हिंदुस्तान की तरफ से नहीं चली। और बात है कि इंटरनेशनल, आपने इंटरनेशनलाइज कर दिया इशू को। अरे वो डेलीगेशन दिल्ली में भी है, वो डेलीगेशन भारत के दूसरे प्रांतों में भी जाएगा। जब वो इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ तो कश्मीर कैसे इंटरनेशनलाइज हो गया? अभिनंदन, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारे स्टेट्स खुले हैं, जिसको जहां जाना है जाए, हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, तो क्यों हम डर रहे हैं? इंटरनेशनलाइज कैसे हो गया? दिल्ली पे आने पे इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, क्यों भेजा जब कश्मीर सारा बंद था? क्या कश्मीर के स्कूल खुले थे कल? कितने पथराव के वाका हुए कल? शुभ्रांशु जी, तो बंद करिए ना ये हरकतें, क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें? मेरा ना तीन पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंद का अगर एक भी व्यक्ति और एक भी बच्चा मरता है और किसी वजह से मरता है या मारा जाता है, ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की है कि एक एक नागरिक की रक्षा करे। पहली इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो कश्मीर में मारा जाए, चाहे कन्याकुमारी में मारा जाए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, चूंकि बात घर की हो रही है और समस्या घर की है, मेरे लिए अब मुद्दा कश्मीर नहीं है, मेरे लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मादी शर्मा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन ब्रोकर के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का क्या रिश्ता है? इस बात पे भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जवाब दे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन के जो 27 सदस्य आए भारत का भ्रमण करने के लिए, अगर वो प्राइवेट विजिट पे आए तो आर्मी द्वारा ब्रीफिंग क्यों कराई गई, इसके ऊपर जवाब दिया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी के पास आज अपनी नाकामी, जिसको रोजगार और आर्थिक मंदी कहते हैं, वो जब छुपाने के लिए चेहरा नहीं बचा, तो अगर मेरे घर में आग लगी है या मेरे घर में कोई भूखा है या पिछले 86 दिनों से हिंदुस्तान के किसी कोने में लॉकडाउन है, तो जो लोग विपक्ष में बैठे हैं या हिंदुस्तान की वो आवाम जो वहां जाना चाहती है, आप उसका रास्ता बंद करके अपने लोगों को भेजकर आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं, एजेंडा क्या प्रचारित। अच्छा ठीक है, शुभ्रांश राय जी, आपकी एक बात पर मुझे बहुत कड़ी आपत्ति है। मैं आपके सारे सवाल संबित के पास ले चलूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी एक बात पर बहुत कड़ी आपत्ति है। आपने हर एक भारतवासी के लिए अपने दिल में दर्द की बात कही है। मुझे ये बताइए कि ये जो 86 दिन आप गिनवा रहे हैं, इससे पहले आपको कभी ये कष्ट हुआ कि कश्मीर में खड़ा कोई व्यक्ति अपने घर में लोगों से बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि 6 महीने कहीं पर पोस्टिंग है उसकी? आप बात नहीं, तो फिर 370 हटने के बाद ही आपको वो कष्ट क्यों हो रहा है? वो पहले उन पॉइंट का आंसर, लेकिन चलिए आपने पूछा तो बताता हूं। बताइए, कश्मीर कल भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, कश्मीर आज भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। कश्मीर में अगर कोई 6 महीने की ड्यूटी में अपने घर नहीं बात कर पा रहा था, तो छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का जो आंध्रा का जो नक्सल एरिया है, वहां पे जो डेपुटेट था वो भी नहीं बात कर रहा था। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, देखिए ऐसा है कि आप गलत बोल रहे हैं। 6 महीने का गैप नहीं आता है शुभ्रांश राय जी, आप ये कुतर्क है, 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 ये कुतर्क है। 370 ये कुतर्क है। आप कितने नक्सल इलाकों में जाकर रहे हैं? कितने नक्सल इलाकों में जाकर रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं, कितने इलाकों में रहे हैं? कितने इलाकों में रहे हैं? कितने इलाकों में रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है, आप कुतर्क कर रहे हैं। शुभ्रांश राय जी, आप कुतर्क कर रहे हैं जी, नहीं, आप 6 महीने का गैप नहीं आता है। 6 महीने का मुझे इस बात पर आपत्ति थी। अब संबित पात्रा जी, उनकी उस राजनीतिक बात का जवाब दीजिए आप। किसी को इस देश में कष्ट नहीं होती थी जब 370 रहे न रहे सैनिक अपने घर से बात न कर पाए। आपको दिक्कत होती है इस बात से? आपको मालूम है कि
जो आपको मालूम है आपके देश का सैनिक खुश है कि नहीं है। आराम से आपने राष्ट्रवाद के नाम को यूज करते हुए अंतरराष्ट्रीय बना दिया। आप राजनीतिक जवाब ले लीजिए, लेकिन सुरक्षा बलों पर सवाल मत उठाइएगा। समय पात्रा बताइए, हिंदुस्तानी अपने घरों में बंद है। अगर राजनीति का हिस्से का जवाब दीजिए, सुरक्षा बलों को इस बहस में नहीं घसीटा जाएगा, नहीं घसीटा जाएगा। समय पात्रा जवाब दीजिए। प्राइवेट विजिट थी तो अब मैं आराम से जवाब देना चाहता हूँ, चिल्ला चोट बंद हो जाए तो आराम से सुन। एक सेकेंड जवाब देना चाहता हूँ, शांति से जरा चिल्लाइए, मतलब आराम से। देखिए श्वेता जी, पहली बात तो है, मैं आपको स्पष्टता के साथ बता रहा हूँ ये लोग आज परेशान क्यों हैं। ये जो 27 लोगों की यूरोपियन यूनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो डेलीगेशन गई थी, उन्होंने इंडिया के हक में बोल दिया है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। मैं सबका जवाब दे रहा हूं श्वेता जी, थोड़ा 15 सेकंड दे दीजिए, बिल्कुल आराम से बोलूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। देखिए, ये अगर यही डेलीगेशन इंडिया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती तो ये सारे लोग बड़े खुश होते, बोलते वाह वाह कितना बढ़िया हुआ ये डेलीगेशन आया। देखिए मोदी बोलने दीजिए, सुभाष राय जी 1 मिनट, भारत वर्तमान की बात करिए। अरे मैं बीच राय जी, आप 1 मिनट, श्वेता जी मैं बीच में नहीं बोलता, श्वेता जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, क्या चिल्ला चोट है? ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। श्वेता जी कृपया करके कंट्रोल करिए इनको। श्वेता जी देखिए, हम लोग शांति से सुनते हैं, सब लोग सुन ले फिर अपना रिएक्शन दे। श्वेता जी यही हकीकत है, सबको लग रहा है कि देखिए, खुद आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये तो इंडिया का पीआर एक्सरसाइज था, कोई कह रहा है ये पीआर स्टंट है। क्या गड़बड़ी है? अगर भारत के हक में यूनियन के लोग बोलते हैं, भारत के हक में आर्टिकल लेके आया हूं साहब, थॉमस करके जो एमपी आए थे उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है, यूरोप के अखबारों में आज ये आर्टिकल छपा है, वो लिखते हैं कि इंडिया जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, पूरा यूरोप का उसका साथ देना चाहिए क्योंकि यूरोप में भी आतंकवाद फैल रहा है। इसमें क्या बुराई है? इसमें अगर इंडिया का व्यू पूरे विश्व में जाता है, इनको क्या बुराई है? दूसरी बात है, यही डेलीगेशन पीआर एक्सरसाइज के तौर पर ज्यादा सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लोग ये कह रहे हैं लगातार कि हमें इंटरनेशनलाइज नहीं करना है, तो फिर ईयू का दल जाना कुछ समझ से परे रहा। तो सुनिए ना, श्वेता जी अमेरिका में पिछली बार जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में इलेक्शन हुआ था तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों का इंडिया से एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका गया था, भाग्यवशत मैं भी उसमें था। हमने वहां पर 1 महीने रहकर, कांग्रेस के लोग भी थे, हम भी थे, बाकी पार्टी के लोग भी थे, बाकी कंट्रीज के लोग भी थे, हमने वहां पे अमेरिका के इलेक्शन को बूथ के लेवल पे स्टडी किया, एक रिपोर्ट भी हमने बनाया जो कि हम भारत में आए उस रिपोर्ट को लेकर। तो क्या हमने जाके अमेरिका के इलेक्शन में इंटरफेयर कर दिया? क्या हमने अमेरिका के इलेक्शन को इंटरनेशनलाइज कर दिया? देखिए, डेलीगेशंस दूसरे देशों से आती हैं, वो आके देश के विभिन्न जगहों पे घूमती है। ये डेलीगेशन केवल जम्मू कश्मीर नहीं गई है, ये डेलीगेशन पूरे भारत में भ्रमण करेगी, टूरिज्म के ऊपर भी कमेंट करेगी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी, अपने अपने व्यक्तिगत रूप से ये देखेगी। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम इसको इंटरनेशनलाइज करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, इंटरनेशनलाइज क्या होता है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2013 में, उस समय एक चिट्ठी 65 एमपीज ने इंडिया से लिखा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरसंहार करते हैं, इसलिए उनको अमेरिका और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन उनको वीजा नहीं दे, लिखित में हस्ताक्षर करके भेजा था। ये होता है इंटरनेशनलाइज करना, ये होता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करना। जब एक प्रतिनिधि को अपने ही देश के रिप्रेजेंटेटिव को ओबामा क्या करना चाहिए, इसकी चिट्ठी आप भी परिचित हैं इस बात से कि लोग किस स्तर पर यह सवाल उठा रहे हैं ईयू के दल के वहां पर जाने को लेकर। लेकिन चर्चा हम यहां पर इस बात पर कर रहे हैं कि किस तरीके से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों द्वारा कश्मीर में, और इस मुद्दे को लेकर शिवसेना भी, जो आपकी सहयोगी शिवसेना है, जिसे अभी पूरी तरीके से बात बनी नहीं है महाराष्ट्र में, उसने भी अपना रुख इस पर साफ रखा है। विजय कृष्णन जी, सरकार की विफलता के तौर पर देख रहे हैं आप इसे? नमस्ते श्वेता जी, मैं प्रप्रथम जो बंगाली निर्माण कर्मचारी जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद के हाथों में मर गए हैं, उन लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि घटित करता हूं और उन कुटुंब सदस्यों को मेरा संताप व्यक्त करता हूं। तुरंत केंद्र सरकार और राष्ट्र सरकार इसके बारे में
सहाय करने का एक्शन लेना है। श्वेता सिंह जी, मैं सब्जेक्ट पर आऊंगा, थोड़ी मौका दीजिए। शिवसेना इस जो यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर विजिट किया है उसमें साफ साफ बताया ये गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आके हमारा देश का एक अभिन्न अंग है, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। साफ साफ बताया ये गलत है, क्योंकि हमारा देश में जो सांसद है वो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है देखने के लिए उसको भी कोई अनुमति नहीं मिली है। लेकिन एक तरफ से कुछ कारण कोई भी हो सकता है, वो प्राइवेट विजिट हो सकता है। मैं समझ रहा हूं, हमारा एनडीए सरकार पर विश्वास है, हमारा जम्मू कश्मीर में जो आम नागरिक है उन लोगों पर विश्वास है। अमन किस लिए खराब हो रहा है? इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान से प्रायोजित हुआ इस्लामिक आतंकवाद से अमन खराब हो रहा है, ये दिखाने के लिए मैं यूरोप जो एमपी सांसद है वो आके मुझे स्टैंप नहीं देना चाहिए? यही शिवसेना का स्टैंड है। और मैं कहना चाहता हूं, कितने सांसद लोग जब कोसोवो क्राइसिस आए थे जो 25 साल पहले यूगोस्लेविया वो स्टेट्स है ना, वो जो बोस्निया और मुसलमान का जो इश्यू आए थे, हम कभी नहीं गए थे। आज भी इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और आयरलैंड और ब्रिटेन का समस्या है, हम कभी नहीं गए थे लोगों का क्या विषय देखने के लिए। लेकिन सॉफ्ट अप्रोच लिया शिवसेना, कहा शिवसेना डर रहा है। इसका रिपरकशंस क्या हो सकता है, इसका परिणाम हो क्या हो सकता है, ये देखना चाहिए। मनुजीत मंडल को भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो पूरा मामला हुआ है, और चूंकि इस्लामिक टेररिज्म आपने कहा, हालांकि जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो जरूरी नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, वो सिर्फ गैर कश्मीरी है उन्हें मार दिया जा रहा है। वो गैर कश्मीरी नहीं होता जी, वो हिंदुस्तानी है। 1990 का नहीं, जो टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ इस आधार पर टारगेट किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित मनुजीत मंडल को जोड़ने जरा चर्चा में, कश्मीरी पंडित इसलिए टारगेट किए क्योंकि वो इंडिया रिप्रेजेंट करते थे, और ये लोग भी इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, जो भारत रिप्रेजेंट करेगा कश्मीर में उसे मार दिया जाएगा। ये तो वही तो चीज है कि ये इसमें विफलता किसकी है पहले, इसीलिए पहले मनुजीत मैं आपकी राय पहले इस पर जानना चाहती हूँ। नहीं, श्वेता जी आपने बिल्कुल सही पकड़े, क्योंकि ये नॉन कश्मीरियंस को चुन चुन के मारा जा रहा है, और ये क्यों हो रहा है हम सबको पता है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है आफ्टर 9370, क्योंकि हमको पता है 370 एब्रोगेशन के इम्प्लीकेशन क्या है, कश्मीरी भाई लोगों की भी पता है। लेकिन ये अगर टेररिस्ट का आतंकी का काम हो या कोई लोकल गुन के काम हो, हम सबको लगता है बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और इस मामला के जड़ पर तक जाना चाहिए। अगर आतंकी के काम है, आतंकी घुसे कैसे और इन लोगों को कौन शेल्टर दे रहा है? माइंड यू, यहां पर कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा है कि आतंकी को मारा गया है, इन लोगों को शेल्टर दिया जा रहा है, और कौन लोग दिया जा रहा है ये मामला बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और साफ पता होनी चाहिए इन लोगों को क्यों और कौन शेल्टर दे रहा है, और चुन चुन के ये नॉन कश्मीरीज को क्यों मर रहे हैं। जहां तक बंगाल गवर्नमेंट की सवाल है, बंगाल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन लोगों के फैमिली के पास खड़ी है 5 लाख का कॉम्पेंस। ये आरोप हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम ये कह रहा है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। इन लोगों को पता था कि बाहर से लोग आई है, इन लोगों को ये भी पता था 370 के अब्रोगेशन के बाद इंप्लीकेशन क्या हो सकती है, क्योंकि बाहर के लोगों को टारगेट किया जाएगा। और आप ही के रिपोर्ट ने कह दिया कि पिछले 14 दिनों में करीब करीब 20 लोगों की मौत हो गई और सभी बाहर के थे। इसके बावजूद भी के दल के आने की कोई बात ही नहीं थी, नहीं रहा यह प्रश्न, तो लगातार क्रम चल रहा है, इसीलिए तो हम डिबेट कर रहे हैं। इसीलिए तो हम बोल रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन वहां क्या कर रही है, एडमिशन को चौकन्ना होनी चाहिए कि बाहर के जो लोग हैं उन लोगों को सिक्योरिटी देना चाहिए, और नहीं तो उन लोगों को कहना चाहिए थे भाई अभी जाओ यहाँ से कश्मीर से बाद में आओ। वहां का स्थिति अगर नॉर्मल होते तो इस तरह का बात तो नहीं होते ना। ये मुझे लगता है इन लोगों का बिल्कुल इन लोगों को मौत जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एडमिशन को छानबीन करनी चाहिए, क्यों हो रहा है, बाहर के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है,
और आतंकी को क्यों कौन शेल्टर दे रहा है, इनके छानबीन हम मांगते हैं, बंगाली होके मांगते हैं, भारतवासी होके मांगते हैं। आप बंगालियों के साथ ये हुआ उसके बाद ही क्यों जागते हैं? आप हर हिंदुस्तानी को भारतीय क्यों नहीं समझते हैं? अगर किसी और स्टेट से मार, राजस्थान से जब ट्रक ड्राइवर मारा गया तब क्यों नहीं जागे आप? यही समस्या है इस देश की। आपने इस देश को बांट रखा बंगाली मराठी हिंदी सब में, हिंदू मुसलमान में। आप हर किसी को भारतीय समझिए, और जब एक भारतीय मारा जाए आपके आंखों से आंसू आने चाहिए। और आपने ये सवाल जो आज उठा रहे हैं, ये 10 दिन पहले उठाना चाहिए था। पहले एडमिनिस्ट्रेशन को जगाओ, वहां आप जाके तो देश जाग जाएगा। जगाओ, हम लोग हर तरह जगते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होते है, बंगाल में इस तरह का बात नहीं होते है। श्वेता जी, मैं जवाब दे देता हूँ। श्वेता जी, पहली बात तो है, मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि मनोजित मंडल ने जो पहला प्रश्न पूछा वो पूछा कि क्या ये आतंकवादी थे या लोकल गूंस थे। इसमें कोई शक है क्या? ये तो आतंकवादी थे, ये कोई गुंडे मवाली नहीं थे साहब। गुंडे मवाली लोगों को नहीं मारते हैं, ये आतंकवादी होते हैं जो देश के नागरिकों को मारते हैं, मारते हैं और बंदूकों से भून देते हैं। उसकी चिंता मत करिए, लेकिन बात यह है कि आम लोगों को टारगेट ही क्यों किया जाए, क्यों उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। अभी लोकल आपने लोकल गून भी कहा था, आपने कहा था आतंकवादी है या लोकल गून। जहां तक शेल्टर देने की बात है, बिल्कुल सही बात है, कौन शेल्टर दे रहा है? इतने दिनों तक बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है, बुरहान वानी एक फ्रीडम फाइटर है, बुरहान वानी एक गरीब हेडमास्टर का बेटा है। इसका समर्थन तो खुद ममता बनर्जी करती थी। आज ममता बनर्जी से जब बंगाल के लोग सवाल पूछ रहे हैं तो ममता बनर्जी बैकफुट पे आ गई हैं। इससे पहले तो खुद ममता बनर्जी भी तो सहयोग कर रही थी ना, नहीं नहीं, नहीं ये सब आतंकवादी, ये आतंकवादी नहीं है, ये तो फ्रीडम फाइटर है। नहीं नहीं, आज अचानक क्यों हो गया ऐसे? आप ही लोग समर्थन करते हैं भैया, शेल्टर आप ही लोग दे रहे थे, आप ही लोग शेल्टर दे रहे थे। जब जब सुनिए ना, जब एंटी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में अरेंज किया गया, आपने जनरल जीडी बख्शी को कलकत्ता में घुसने नहीं दिया। आपने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कलकत्ता में कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, हम कश्मीर को लेकर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने कहा पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ्रेंस होने से माहौल बिगड़ जाएगा। किसने समर्थन दिया था, किसने शेल्टर दिया था? आपकी मानसिकता ने, आपकी मानसिकता ने शेल्टर दिया था। और आज जब आपके घर तक आग पहुंच गई है तब आप अचानक सवाल पूछ रहे हैं। जब आतंकवादियों को ऑल आउट ऑपरेशन के माध्यम से मारा जाता था तो आप लोग आर्मी के चीफ को कहते थे ये सड़क के गुंडे के जैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये ही इज अ स्ट्रीट ठग। ये आप लोगों ने कहा था ना कि वो सड़क के गुंडे हैं, क्योंकि आर्मी के चीफ ने धमकी दी थी कि हम किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए आज जब आप खुद सफर कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं आर्मी चीफ सही कह रहे हैं, ये हमको पता है। तो इन्हीं के लोग हैं ना, संदीप दीक्षित और ममता बनर्जी तो एक साथ हाथ पकड़ के खड़े थे कि हम डेमोक्रेसी बचाने वाले हैं। सुनिए, 2019 के चुनाव से पहले ये सब गठबंधन थे, ये सब डेमोक्रेसी को बचाने का दावा करते थे। हर पॉलिटिकल पार्टी एक तो छोड़ के सभी ने समर्थन किए थे। आप भूल गए हो, क्योंकि अभी तक आपने ये कोशिश नहीं की हो कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इंडिया से जाए कश्मीर में, लेकिन बाहर से लोगों को आप आने दिया। अरे आपके आप दल का भी सांसद भी जा सकते थे। मैं इसका जवाब दे, आपने डेलीगेशन पे सवाल नहीं पूछा था, मैं जवाब दे देता हूँ। डेलीगेशन पे दिया, मैं जवाब दे देता हूँ। वो क्या ऑफिशियल है क्या ऑफिशियल? मैं जवाब देता हूँ संबित जी, मैं थोड़ी देर में आपसे जवाब दूंगी। पहले ऑफिशियल, मैं इस पे भी जवाब दे देता हूँ। मैं थोड़ी देर में आपसे एक साथ सारे सवाल इकट्ठा करके जवाब दूंगी। पहले डेलीगेशन भी नहीं जा सकता जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले सुभ्रांशु। देखिए ऐसा है कि सिर्फ दो बातें मुझे कहनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि हिंदुस्तान का कहीं भी कोई भी नागरिक मारा जाए, यह उस राज्य और केंद्र के साथ साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी है कि एक भी व्यक्ति की हत्या ना हो, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो गुंडा हो, किसी के द्वारा ना हो। और रही बात हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, हमारी हिंद की सेना बहुत मजबूत है, तो इस पर कोई डिस्कशन ना हो। मेरा सवाल सिर्फ यह है डॉक्टर पात्रा के साथ कि ये इंटरनेशनल बिजनेस दलाल मादी शर्मा के साथ राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है, ये आज देश को बताइए। और ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका डायरेक्ट क्या संबंध है कि एक ब्रोकर, एक अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर डायरेक्ट अपने 27 लोगों की मीटिंग अरेंज करती है और खुद भी आकर करती है। पहले ये बात देश को बताइए, यहां आपका राष्ट्रवाद कैसा है और आपका रिलेशन क्या है, बाकी सारी बातें सेकेंडरी है जी। ठीक है, अब बताइए संबंध।
देखिए, ये जो 27 लोग आए थे, नहीं पर मादी शर्मा की बात हो रही है, डॉक्टर साहब मादी शर्मा चिल्ला चोट से डिबेट नहीं होता है श्वेता जी, मैं भी बीच में चिल्ला सकता था, शांति से सुना जाए श्वेता जी, इन्होंने अपना विषय रख लिया है, इन्होंने अपना विषय रख लिया है, मैं जवाब देना चाहूंगा जी। देखिए माध्यम कोई भी हो, मैं बोल रहा हूं ये 27 लोग क्या मछली मार्केट में मछली बेचने वाले लोग थे? ये यूरोप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि विमर्श देश में, विदेश में, पूरे विश्व में एक विमर्श बनाने वाले लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है अपने अपने देश के। अगर वो आते हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के बारे में अच्छा करते हैं, तो सोनिया जी और राहुल जी को इतनी आदत लगी है हिंदुस्तान के बारे में अच्छा लिखेंगे, क्यों परेशान है, मैं क्यों परेशान हूं बताओ, इंडिया के बारे में अच्छा कह दिया, तुम क्यों परेशान हो भैया, मैं क्यों परेशान हूं, इंडिया के बारे में अच्छा कह दिया, तुम इतना क्यों फड़क रहे हो, दलाल मादी शर्मा, इंडिया के बारे में इतना, अरे दलाल तो मार बैठे हैं भैया, अरे दलाल आप लोग हो, आप लोग हो दलाल जो देश को इतने साल बेच रहे थे, शर्म करो जरा, अरे गद्दारों शर्म करो, शर्म आपका क्या, चिल्लाइए आप लोग हो, दलाल आप लोग हो जो अपनी माँ को, अपने देश को बेचने का काम करते हैं, यूरोपियन यूनियन के सम्मानित लोग आए उसके बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम क्या चिल्ला रहे हैं, अपना ओपिनियन आपको ये क्या चिल्ला रहे हैं, देश को ये क्या चिल्लाइए मत, क्या चिल्ला रहे, अरे बिना चिल्लाए बोलिए ना, बिना चिल्लाए इतना जोर चिल्लाते हैं कि आवाज भी सुनाई देता है, ऐसी आवाज सब कर लेते हैं, फिर सुब्रमण्यम स्वामी याद आ गए, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी पे क्या क्या कहा है, राहुल गांधी पे क्या क्या कहा, वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ अगर आपके पास जवाब है याद आ गए, तो सोनिया गांधी पे और राहुल गांधी पे क्या विचार है वो भी बता दीजिए, वो भी देख सुन ले, और राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का ड्रामा करती है उसका क्या डायरेक्ट संबंध है ये बताइए देश को आज, बस सीधी इतनी सी बात है, गोल गोल मत चलिए। श्वेता जी जहां तक दलाल का सवाल है, ये तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता दलाल है, आप जानते हैं कौन दलाली करके देश को बेचने का काम करता है, राहुल गांधी, अरे मैं आपके ब्रोकर, ये श्वेता जी मैं इस प्रकार चिल्ला के नहीं, आप चाहती हैं कि मैं चिल्लाऊं तो मैं भी चिल्लाऊंगा, मगर ये नॉन स्टॉप चिल्लाते रहेंगे तो कैसे डिबेट होगा, हिंदुस्तान में लाई गई है आपकी व्यापार, अरे आप देश नहीं है ना, शांति से बैठिए ना, आप चुपचाप बैठिए, आप देश नहीं, श्वेता जी इनका गला खराब हो जाएगा, इनको जरा पानी वानी पिलाइए, काहे को चिल्ला रहे हैं ये, आप सीधा जवाब दे दीजिए कि वाकई कोई रिश्ता है या नहीं है, क्यों इस तरह, क्योंकि आज हर जगह यही सुर्खियां हैं संबित जी, कि वाकई ये कौन है, ये पूरी संस्था क्या है जिसका बजट सुनिए, श्वेता जी मैं जवाब देता हूँ श्वेता जी, कोई भी संस्था हो, कोई भी एनजीओ हो, वो फ्री है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के लिए, वो फ्री है कि सुभ्रांश जी को भी लेके प्रधानमंत्री से मिला सकता है, वो फ्री है कि देश के हित के लिए कोई काम कर सकता है, अगर कोई भी एनजीओ एक्स वाई जेड कोई भी एनजीओ कुछ बहुत महत्वपूर्ण विदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेके एक डेलीगेशन के रूप में व्यक्तिगत रूप से भी हिंदुस्तान में आते हैं, उनको वीजा मिलता है, वो हिंदुस्तान घूमते हैं, हिंदुस्तान के बारे में अच्छी टिप्पणी करके जाते हैं, इन लोगों को, इन गद्दारों को इतनी परेशानी क्या है, ये तो फाइव के लोग जो पाकिस्तान का जो फाइल करता है सेमिनार, उसमें तो राहुल गांधी की पार्टी के लोग जाके भाग लेते हैं, उसमें तो जाके राहुल गांधी की पार्टी के लोग भाग लेते हैं, इनके राहुल गांधी कितने चिल्लाते हैं एक दलाल जब चाहे इजी गोइंग प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है, अरे दलाल माँ बेटे हैं भैया, एक ही दलाल है पूरे विश्व में, दलाल माँ बेटे हैं विजय कृष्णन जी, देश को बेचने का काम माँ बेटे करते हैं, दलाल के बाद में आपके पास आती हूँ, विजय कृष्णन जी, जो मनोज जी कितने परेशान हैं, ये हिंदुस्तान के बारे में अच्छा क्या कह दिया, ये गद्दारों की तो छाती बंद हो जा रही है, अरे विजय कृष्णन जी बोल रहे हैं, समित जी मुझे बात करने का मौका दीजिए, वो नहीं हुआ, मनोजित मंडल जी आपने बताया, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, जो 5 बंगाली कर्मचारी का कत्ल हुआ है आतंकी हमले में, आपने शक जताई, ये मैं खंडन कर रहा हूं, एक सेइंग है हिंदी में, घर के चोर को भगवान भी नहीं पकड़ सकता है, कई बार जम्मू कश्मीर में सिखों का कत्ल हुआ, हिंदुओं का कत्ल हुआ, अरे आप कुछ भी करो, किया लोगों की मौत हो रही है, प्रायोजित आतंकवादियों ने किया है, आज भी मैं 100% कह सकता हूँ, पाक प्रायोजित तो इस्लामिक आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को कत्ल किया, क्या आप क्यों खुला आपका मनोविश्लेषण में कर रहा हूँ, क्योंकि इतने गरीब लोगों के मौत के लिए हमारा आर्मी किया है, क्या बात कर रहे हो, मैं खंडन कर रहा हूँ,
आप देश के द्रोह कर रहे हैं, खुले छोड़ कर आप लोगों को, गरीब लोगों को मौत के लिए बात करते हैं, खंडन करते हैं, आप सब खंडन करते जाए, खंडन करते जाए, इस्लामी आतंक को करेगा और कौन करेगा? आप कह रहे हैं सरकार कर रहे हैं ये हत्या, कितनी बार क्या कर रहे थे ये, आप क्या कर रहे थे? खंडन कर रहे थे, आप नहीं है, आप खंडन कर रहे थे, मेंटल हॉस्पिटल जाना है लगातार, लगातार दो हफ्ते से ये हो रहा है, आप खंडन कर रहे थे, आप क्या बात कर रहे हैं? ये अच्छी बात है, ये विश्लेषण नहीं है, कर रहे थे आप लोगों को भीषा दे रहे थे, कश्मीरी बाहर से लोगों को आने के लिए टूरिज्म करना है, अब दोनों चीजें अलग है, मुझे दोनों चीजें को आप कर नहीं सकते हैं, हमारा देश के लिए शर्म आनी चाहिए, यहाँ चैनल में आके इंडिया के डेलीगेशन नहीं जा सका, ये बाहर से लोग को आप ले आते हो, और वो भी बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये बंदा नहीं है, आतंकवाद है, संस्था जिसके पास क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उन लोगों का अपने चांस उनका प्राइवेट विजिट था, अगर प्राइवेट विजिट था नहीं देखिए हम उस पर मुद्दे मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, मैं वाकई एक चीज जानना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं वहां पर जब कश्मीर में गई तो मेरी कोशिश ये थी, श्रीनगर से बाहर कश्मीर नहीं है क्या? क्या श्रीनगर से बाहर जो लोग रहते हैं वो कश्मीरी नहीं है क्या? तो उसके बावजूद सिर्फ कश्मीर कश्मीर के श्रीनगर, मनोजी जी एक मिनट रुकिएगा, श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के हिस्से में अगर कुछ लोग पत्थर उठा लेते हैं उसको आप लोग कश्मीर की आवाज बोलने लगते हैं। मैं इस बार जब श्रीनगर से उत्तर कश्मीर की तरफ मुझे रोजाना कम से कम एक बार सफर करना पड़ रहा था, इतना ट्रैफिक जाम था, इतना ट्रैफिक जाम था, और आप चलने का मतलब नहीं है कश्मीरी खुश है, अरे ट्रैफिक नहीं चलने का मतलब आप लोग कहते हैं, वीडियो का मतलब नहीं है कि कश्मीरी खुश है, स्कूल खोलने का मतलब नहीं है कश्मीरी खुश है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिए? 60,000 बच्चों ने, बाकी स्कूल खुलते हैं क्या? खुलने स्कूल कौन सा कौन सा खुलने दे रहा है? स्कूल का नाम बताओ, कौन नहीं खुलने दे रहा है? कौन सा स्कूल खुला? खुलने कौन नहीं दे रहा है? आपने श्रीनगर को, शुपियन, पुलवामा को, नहीं बोलो ना कौन सा स्कूल खुला? स्कूल का नाम तो बोलो, स्कूल का नाम तो बोलो, जम्मू में इंटरनेट बंद नहीं रखा, जम्मू में मोबाइल इंटरनेट बंद, जम्मू में फोन बंद नहीं रखा था, जम्मू में पहले फोन खुला था, कश्मीरी आतंकवादी थे, जम्मू में वोट बैंक था, जम्मू में वोट बैंक था, कश्मीर में नहीं था, जम्मू में बीजेपी का लगने से 3 दिन पहले से मैं कश्मीर में थी और उस समय सबको लग रहा था कि वहां पर पता नहीं कौन सा एक मैसेकर कर दिया जाएगा, नरसंहार करके सबको मार दिया, क्या हुआ? जिसने मारा वो आतंकवादी निकले। देखिए देखिए फौज का काम है बॉर्डर पे, फौज को क्यों उस टीम में घुसाया गया? फौज नहीं है, सीआरपीएफ है, सिटी में बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और बताइए आतंकवादी थे वहाँ, क्या लोग सींग लगाकर पहले दिन श्रीनगर में एक दुकानदार को जब गोली से मारा गया वो कौन था? तो आतंकवादी को कंट्रोल करो ना बॉर्डर से। तो जो पत्थरबाजी आपने शुरू करी कल उसका क्या? किसने की? एक पत्थर गोली बराबर लगती है, क्यों कर रही है पत्थरबाजी? कॉन्फिडेंस में ले लो ना, कॉन्फिडेंस में पत्थरबाजों को कॉन्फिडेंस में ले लो ना, पत्थर डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला, डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला, निर्लोम को छोड़ो, मैंने बोला मेन स्ट्रीम के निर्लोम को छोड़ो, जिस दिन क्यों नहीं छोड़ोगे, क्यों नहीं छोड़ोगे, छोड़ोगे क्यों? इलेक्शन तो लड़ा उन्होंने, कोर्ट का क्यों बोल? यहाँ आप तो बोलते हो बीजेपी वाले इस तरह की बहस मत कीजिए, रखिए सुप्रीम कोर्ट की तो आपका है, आपके लीडर तो बोलते हैं, आपके लीडर तो बोलते हैं, आपके लीडर तो बोलते हैं, बीजेपी के अमित बनर्जी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारा है, एक इंस्टीट्यूशन में विश्वास ही नहीं है, एक जुडिशरी में विश्वास नहीं है, आपके लीडर तो बोलते हैं, जब बीजेपी चाहे किसी पे कोई विश्वास क्यों करना? आप तो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे ईवीएम मशीन का घोटाला हुआ, आप फिर क्या अब आतंकवाद ईवीएम मशीन हिंदुस्तान मांग लेगा आप अपनी बात कर लीजिए, बताइए श्वेता जी।
श्वेता जी, मैं बड़े ध्यान से इस डिबेट को सुना क्योंकि अब डिबेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, बहुत दुखद घटना हुई जिस प्रकार से 5 हमारे बंगाली भाइयों को मार दिया गया। अब कुछ लोग आके यहाँ पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी, आर्मी क्या कर रही थी, अभी ढूंढो, थोड़े मेजर्स लेने चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है, मेजर्स लेने चाहिए थे, मेजर लो, अगर इंटरनेट सस्पेंड कर दो मेजर लो, कहीं कर्फ्यू लगा दो तो ये नाराज हो जाएंगे, मेजर ना लो तो ये नाराज हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट, मतलब कुछ भी करो, इन लोगों का काम सहयोग करना नहीं है, इनका काम केवल और केवल मोदी विरोध करना और भारत विरोध करना है। आप बताइए, अगर अगर यही सेना कहे कि आतंकवाद, अगर हमें लग रहा है कि आतंकवादी बढ़े हैं इस इलाके में, चलिए इंटरनेट सस्पेंड कर देते हैं ताकि कम्युनिकेशन आतंकवादियों के बीच नहीं होगा, ये आके अभी यहां चिल्ला चोट शुरू कर देंगे। हमारे मनोजीत भाई बैठे हैं ना, मनोजीत भाई, क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया इंटरनेट, और जैसे ही आतंकवाद होगा तो बोलेंगे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इंटरनेट बंद किया, क्यों नहीं किया, मतलब दोनों। अरे भैया, ये श्रीनगर वाले भैया हमारे कान खराब हो जाएंगे, ये गोली से भी ज्यादा इनका कर्कशता आवाज है। अरे भैया, अरे भैया, अभी भैया ऐसी तो आपकी आवाज है, हम तो यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे, आप आवाज से क्यों मार रहे हो हम सबको, ये पत्थरबाजी की आदत है। अरे श्वेता जी, हमें बचाओ, इनकी आवाज से ही हम मर जाएंगे, यहाँ पे चीज भयंकर आवाज है। और अगर एक तरीके से ट्रीट करना होता ना, दोनों की फोर्सेस की ट्रेनिंग अलग नहीं होती। सुभाष बताइए, क्यों नहीं लड़ा लोकल बॉडीज का लेकर, क्यों चोरी बैठे थे तब? डॉक्टर साहब, बड़ा आपने अच्छा कहा, लेकिन मेरा सवाल यह है, वहां तो खैर इंटरनेट बंद है या खुला उसकी वो सेकेंडरी मैटर है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेट चल रहा है, खाली सवाल पूछने के लिए बैठे हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। योगी राज्य में घंटे के हिसाब से मर्डर हो रहा है, कहां गया आपका प्रशासन? क्या यहाँ पे भी योगी राज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आप यहाँ नहीं नहीं आप कौन है, खाली सवाल पूछते रहेंगे? प्रशासन नहीं 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 मैं आपके सवाल का कोई जवाब आप नहीं देने वाला मुद्दे पे, मुद्दे पे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं, खाली सवाल मुद्दे पे हिसाब से मर्डर और बलात्कार ये चलेगा है उत्तर प्रदेश। मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दा यह है इंटरनेट की उन्होंने बात कही, जहां इंटरनेट फ्री है वहां भी तो मर्डर हो रहा है, यहाँ ही नहीं की सरकार है। नहीं नहीं, तो आप उनका जवाब दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद है, आप उनका जवाब दे दिया। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इस देश के बच्चे बच्चे को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति मारा जाए और प्रशासनिक फेलियर है या कोई भी लापरवाही या गलती हुई है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो, मरना किसी को नहीं चाहिए भाई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी तो हमें बढ़ के लेनी चाहिए कि नहीं, हम इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। अखंड हिंदुस्तान है, अखंड हिंदुस्तान उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सर्वत्र व्याप्त है, वो चाहे नक्सली घटना हो, चाहे वो आतंकवादी घटना हो, चाहे वो गुंडों के द्वारा की हुई हत्या हो, कुछ भी हो, नहीं होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के पास होती है, इसको कंट्रोल करने का, कम करने का और खत्म करने का। मैं इसका जवाब देता जी, ठीक है, बिल्कुल श्वेता जी, जो कहा सुभ्रांश जी ने 100% सही कहा कि ये जवाबदेही हम सबकी है, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, चाहे वो नक्सली हमले में हो, चाहे आतंकी हमले में हो। मगर आप आज यहां प्रतिज्ञा करके जाइए, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आपके कजिन ब्रदर्स हैं ना, जो याकूब मेमन वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, जो जश्न मनाते हैं JNU में जब आतंकवाद, जो जब नक्सलवादी मारे जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रोज शाम को 5 बजे आके आप जो उनके समर्थन में कसीदे पढ़ते हैं ना, उस समय आपके दिल में आग नहीं लगती है? रोज आके आप उन लोगों के लिए कसीदे पढ़ते हैं टुकड़े टुकड़े भाइयों के लिए, तो कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी क्या 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 बोल रहे हैं, ये क्या बात है? नहीं, साबित कर दिया आतंकवादी है, किसने कहा, किसने कहा? बेवकूफ, ये गद्दार को सुन रही हैं आप, ये गद्दार को सुनिए जरा। नहीं, साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है, किसने कहा, किसने कहा? ए भैया, ए भैया, तुम्हें किसने कहा साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है? नहीं नहीं, मैं पहले ये मांगे, चिल्लाइए नहीं, किसने कहा इसको? नहीं इसके, नहीं नहीं नहीं, पहले ये माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे, साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है, किसने कहा, किसने कहा आपको, किसने कहा आपको कि साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है? तभी आप जैसे लोगों को मैं गद्दार कहता हूं, किसने कहा कि वो आतंकवादी है, किसने कहा, किसने कहा? अरे याकूब मेमन तो आतंकवादी बोला जाता नहीं है तुमसे, और साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी है? अरे गद्दारों, तुम जैसे जयचंदों के कारण ये देश ऐसा होता है, तुम जैसे मीर जाफरों के कारण देश इस्तेमाल किया जाएगा। सुभ्रांश राय, चिल्लाइए मत, आपसे अच्छा चिल्ला सकती हूँ मैं, आप धीरे बोलिए पहले, आप धीरे बोलिए पहले, वो चिल्लाने मेरे कान में नहीं आ रही उतनी आवाज, आपकी दोनों कानों में आ रही है, रुकिए रुकिए। अगर
कन्विक्टेड इन कोर्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे तो फिर भगवान भरोसे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अरे कन्विक्टेड इन कोर्ट क्या होता है? कन्विक्टेड इन कोर्ट क्या होता है? कन्विक्टेड इन कोर्ट क्या होता है? द्रोहियों के साथ संबित पात्रा ने हमें जोड़ने की आप कन्हैया शादी प्रजा कन्विक्टेड है क्या? नहीं क्या चिल्ला रहे हैं? ये जो मीर जाकर है ना, यही देश को बेच रहे हैं। आपने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहा, मैंने आपको भी नहीं काटा। कन्विक्टेड इन कोर्ट, पहले इसका मुझे मतलब बता दीजिए। जंगल में आप इस मुद्दे पर बहस देख रहे थे कि कश्मीर में अगर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की एक तरफ बात की जाती है तो क्यों दूसरे प्रदेशों से जो नागरिक वहां पर जा रहे हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं आतंकी? क्या होगा इसका समाधान? अभी के लिए इतना ही।